हेलो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। शर्ट कटिंग करने का तरीका 40 साइज का शर्ट काट के दिखाऊंगा। इसमें क्या आपका पैटर्न भी काट सकते हो आप। 40 साइज के जो पैटर्न होता है 40, 42, 38, तो मैं 40 साइज का शर्ट काट के दिखा रहा हूँ आपको। 40 साइज का मेजरमेंट क्या होता है पहले उसके बारे में समझाऊँगा आपको, और इससे क्या है कि आप रेडीमेड का शर्ट भी काट सकते हैं। अगर पैटर्न 40 साइज जो नाप बता रहा हूँ मैं, ये परफेक्ट 40 साइज का नाप है। जैसे आप लोग को नाप पता नहीं होता कि 40 साइज का बॉडी का कैसे नाप निकाले, तो ये समझ ले इस नाप को, आपको बिल्कुल आसान आ जाएगा तरीका कैसे निकाला जाता है। अब मेरे चैनल पे अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। अब आइए हम नाप की बात करते हैं 40 साइज की। तो दोस्तों ये लंबाई है 29 इंच, चेस्ट है 40 इंच, पेट रखना है आपको 35.5 इंच, हिप 39 इंच रखना है, बाजू 24.5 इंच, शोल्डर 18 इंच और कॉलर 16 इंच। ये 40 साइज का नाप है। आप रेडीमेड सेट जो बनाते हैं उस तरीके से भी काट सकते हैं इसको, पैटर्न काट के, और वैसे भी। तो ये आप दोस्तों अब देखिए, ये कपड़े को बिछा लेना है, सीधी साइड अंदर रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, सीधी साइड ही अंदर रखना है, उल्टी साइड बाहर रखना है। तो आपको ये पहले मार्क कर लेना सीधा से पट्टी से। ये देखिए, पहले ऊपर का मार्क करना है, उसके बाद ये 2 इंच पे शोल्डर का निशान लगाना आपको दोस्तों। ये 2 इंच का लगा लिए, उसके बाद इसको भी सीधा से पट्टी की मदद से सीधा निशान लगा लेना। अब देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि लंबाई इसकी 29 है, तो ये यहाँ पहले पूरा मार्क ऊपर से मार्के से 29 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 30.5 इंच। और उसके बाद एप्पल कट करने के लिए 2.5 इंच या 2.5 इंच ऊपर कर लेना आपको। अब 40 चेस्ट का आर्मोल कितने पे गिराना है वो बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से देखें, पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। 40 का आपको जैसे 10 चौके 40, चौथाई भाग है, तो 1 इंच कम कर लेना, माइनस कर देना है चौथाई भाग में। मान लीजिए 10 चौके 40 है, 10 आ रहा, तो 9 पे आर्मोल का निशान लगाना है। उसके बाद पेट का निशान लगाना है आपको 17 इंच पे। ठीक है दोस्तों, 17 इंच पे लगाना है लंबाई के हिसाब से। अब ये निशान लगा लिए, अब वही निशान ये यहाँ सीधा लगा लेना आपको 9 इंच पे और 17 इंच पे, और आपका 30.5 इंच और 2.5 इंच ऊपर। अब क्या है दोस्तों, ये सीधा सीधा आपको सेफ पट्टी की मदद से ये निशान लगाना है, सेफ पट्टी की मदद से ये सीधा सीधा निशान, सारा निशान ये आपको लगा लेना है। उसके बाद पट्टी के लिए ये यहाँ से कोरी से 2 इंच और ये 2 इंच, हर मार्के से 2-2 इंच अंदर निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको सेब पट्टी ये उठाना है, ये सेब पट्टी से एक सीधा निशान लगा लेना आपको। ठीक है दोस्तों, अब कॉलर है 16, तो आपको छठा भाग लगा लेना है 2.5 इंच एक सूत। उसके बाद शोल्डर 18 है, तो 9 इंच और 3 सूत मार्जिन, तो 9.5 इंच में 1 सूत कम लगाना आपको। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा लगाओगे तो शोल्डर लटक जाएगा, फिर ये अल्टर मारेगा ये। अब आपका है ये चेस्ट है 40, तो 10 इंच, 10 चौके 40, 10 इंच और लूजिंग आपको 1.5 इंच देना है। 1.5 इंच लूजिंग देने का मतलब है कि आपका बटन लगने के बाद 4 इंच आएगा ये, और 1 इंच मार्जिन। अब पेट बताया था आपको मैं 35.5, तो 9.25, चौथाई भाग 9.25 होता है, और यहाँ पे आपको देना 3 इंची की लूजिंग, तो 1.25 इंची लगाना है। 3 इंची की लूजिंग देना, 1.25 इंची लगाना आपको, और 1 इंच यहाँ भी मार्जिन दे देना आपको। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ भी आपको हिप बताया था 39 बताया था मैं, तो 10.25 लगाना है चौथाई भाग,
यहाँ 10:15 पे लगा लेना है मार्क, ये देखिए, और यहाँ भी 3 इंच का लूजिंग डालना है आपको, 1 इंच मार्जिन। अब हम से पट्टी की मदद से पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे, ये देखिए पूरा दिख रहा होगा शोल्डर का निशान। उसके बाद ये मार्क आपको कैसे लगाना है वो बताऊंगा मैं आज आपको। ये मार्क इस तरीके से लगाना है, पहले आपको ये सीधा लगा लेना है, ठीक है दोस्तों, ये सीधा लगाना 1/2 इंची अंदर, इससे 1/2 इंची अंदर लगाना सीधा। मगर ये पूरा निशान अभी नहीं लगा है, अब जहाँ यहाँ पर जो झोल आता है चेस्ट पे जो झोल आता है उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए एक और मार्क होता है, वो करके दिखा रहा हूँ। ये सेप पट्टी से सेप लेना है ये आपको, फिर 1/4 इंची अंदर लेना है इसका, तब जाके ये झोल ख़त्म होगा जो चेस्ट पे झोल आया था बहुत से लोगों को। अब ये सेप पट्टी को यहाँ से बैठाना, ये नहीं कि यहाँ से बैठाना, आपको यहाँ से बैठाओगे तो ये सेप नहीं आएगा, यहाँ से बैठाना बिल्कुल, इस सेप में सेप मार्का मारना और फिर इसको इस सेप में देना। अब ये देखिए मार्क हो गया बिल्कुल दोस्तों, आर्मोल का हमारा निशान लग चुका है, ठीक है, पूरा मार्क हो गया। अब इसको काट के निकाल लेते हम, मार्क पे ही काट लेना आपको, और ये 1 इंच मार्जिन छोड़ के रखना आपको, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ एप्पल कट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से 3 इंची में रख लेना आप, यहाँ से 3 इंच, 3 इंच से ये सेप देना है आपको, ये चटका लगा लेना है और ये चटका लगा लेना है। ये फ्रंट मेरा कट चुका है दोस्तों, अब बैक काट रहा हूँ मैं। ये बैक को इस तरीके से कपड़े को पलट लेना अपने तरफ, और फिर ये फ्रंट से 1/4 इंच कम काटना है आपको, फ्रंट से इस मार्के से 1/4 इंच कम काटना है। मैं अपने वीडियो में निशान भी लगा के दिखाया था, इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ये 1/4 इंची इस मार्क से अंदर रखना है, सामने वाला फ्रंट वाला मार्क है ना, इससे 1/4 इंच अंदर, ये देख लीजिए अंदर रख दिए। उसके बाद आपको इस मार्क से सीधा मार्क इधर ले लेना है और इस मार्क से इधर ले लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी सीधा से पट्टी से ये शेप लगा लेना है। शोल्डर बताया था मैं 18 इंच, तो 18 बैक को फिक्स रखना है, इस बैक में नहीं बढ़ाना, जैसे फ्रंट में मैंने बढ़ाया था ना 3 सूत, तो इसमें नहीं बढ़ाना, इसमें 9 इंची तो 9 इंची लगाना, 18 आधा का 9 इंची। ये हमारा मार्कर लग गया दोस्तों, अब इससे पट्टी की मदद से इस तरीके से मार्क कर लेना, क्योंकि यह फ्रंट से 1/2 इंच प्लस कटेगा बैक, नहीं तो आगे जो हाथ करते हैं ना बाइक चलाने में, वैसे कोई सामान उठाने में तो नहीं होगा, वो टाइट हो जाएगा। बैक काटना बिल्कुल आसान है, बस यही 2 मार्क का इम्पोर्टेड, एक शोल्डर का और ये की ये, बाकी नहीं तो इसी कपड़े पे बिछा के आपको काट के निकाल लेना है। ये काट के निकाल लिया मैं, बैक को आपको 1/4 इंच कम करना है फ्रंट से, कि पीछे लटके ना, कि पीछे जब लटकता है तो वो गंदा लगता है वो। अब ये आर्मोल बहुत से लोग देखेंगे आप नहीं नापता हुआ आर्मोल, वह ऐसे काट लेते अंदाजी, तो क्या ये बाजू छोटा बड़ा हो जाता है चढ़ाने में जब आप सिलोगे, तो 4 इंच का तीरा रखना है मुझे, 1.25, और ये आ गया 21.5, तो 40 का आर्मोल दोस्तों 20 ही आना चाहिए, और मैंने देखो नाप के दिखाया आपको 20 आया, ये 20 ही आना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो लटक जाएगा, वो आर्मोल लटक जाएगा, झोल मारेगा। अब बाजू आपको इस तरीके से बिछा लेना है डबल करके, कपड़े को आपको बैलेंस लेना है कि 10 इंच पे मुझे मार्क करना है। तो दोस्तों पहले सबसे से पट्टी से एक ये सीधा मार्का
उसके बाद 4.5 इंच आपको यहाँ से इस मार्के से उतार लेना नीचे, फिर ये भी सीधा मार्का लगा लेना। उसके बाद ये भी एक मार्का बैलेंस के लिए सीधा लगा लेना। अब मैं बताया था 20 इंच, तो 10 इंच बाजू काटूंगा तो 20 इंच आर्मोल मेरा आ जाएगा। 10 इंच पे मार्क कर लेना और 1 इंच मार्जिन। अभी दोस्तों कफ है मेरा 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच ऊपर निकाल लेना है इस मार्के से। और बाजू से बताया था 24.5, तो 24.5 और 1 इंच दबाओ, आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच यहाँ कफ चढ़ाने में, तो 25.5 इंच ये हो गया। अब यहाँ रखना कितना आपको, तो वहाँ 10 रखे हो तो यहाँ 5 रखना, उसका आधा रखना, कफ लगेगा 10 इंच का। फिर इस शेप पट्टी की मदद से आपको ये शेप लगा लेना और ये भी सीधा आपको लगा लेना। अब ये इस तरीके से मार्क कर लेना आधा इंच ऊपर से आर्मोल काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको काट के ये निकाल लेना बाजू। ये फ्रंट का आर्मोल आपको झाड़ लेना है। हमारा बाजू कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं तीरा काट रहा हूँ, तीरा काट के वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखे दोस्तों, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा बारीकी, एक एक बात इम्पोर्टेंट है इसमें। अब तीरा को डबल कपड़ा ऐसे कर लेना है, उसके बाद दोस्तों एक मार्क कर लेना है, 6 इंची का तीरा काटना है, 6x4 का, तो निशान लगा लेना आपको 6, ये हमारा निशान है 6 इंच और 18 इंच शोल्डर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो 9 इंच पे मार्क करना है, 9 और फिर यहाँ 4 और ये 2 फिर यहाँ 4, तो इस 4 पे मार्क कर लेना आपको ऐसे। और यहाँ लगाना है आपको फिर 2.5 इंच और 2 इंच, और इस तरीके से शेप ले लेना है, और ये यहाँ पे इस तरीके से शेप ले लेना आपको। ठीक है दोस्तों, ये निशान बिल्कुल लग चुका तीरे का हमारा। अब मैं इसको काट के निकाल देता हूँ। कटिंग आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा किस तरीके से बताया मैंने, ये बिल्कुल परफेक्ट।